जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको NDA के एग्ज़ाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, NDA वाले दिन जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने ज़रूरी हैं जिससे आपकी एंट्री वहाँ पर ली जाएगी, जिसके बिना आपकी एंट्री वहाँ पर नहीं होगी। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको ज़रूर लेकर जाना है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपसे दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा। पहले, वे डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने कंपलसरी हैं, जिनके बिना आपकी एंट्री वहाँ पर नहीं होगी, और दूसरे वे डॉक्यूमेंट्स जिनको आप अपने बैकअप में लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो लेकर जाने आपके बहुत ज़रूरी हैं। तो इनमें दोस्तों सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना कलर प्रिंट या कैसा भी एडमिट कार्ड निकलवा लेना है। कलर प्रिंट निकलवाओ तो अच्छा है। तो कलर प्रिंट एडमिट कार्ड आपको निकलवा कर लेकर जाना है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरा यहाँ पर है अपने फ़ोटो। जी हाँ दोस्तों, अपने दो फ़ोटो ज़रूर लेकर जाएं। जो भी फ़ोटो आपके पास हो सके तो वही फ़ोटो लेकर जाएं जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपने पास फ़ोटो में वहाँ पर लगवाए थे। तो जो फॉर्म फिल करते टाइम फॉर्म में आपने फ़ोटो लगवाए थे वही लेकर जाएं। अगर वो नहीं है तो दूसरे भी लेकर जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो दो डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तीसरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर एक ID प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, आप एक ID, ओरिजिनल ID आपको लेकर जानी होगी, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई सा भी एक ओरिजिनल ID आपके पास होनी चाहिए जिस पर आपका फ़ोटो लगा हो। तो दोस्तों, ये तीन डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं अपने NDA के एग्ज़ाम में, इनके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। तो दोस्तों, अब यही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अब मैं आपको वो डॉक्यूमेंट बता देता हूँ जो आपको बैकअप में अगर कोई प्रॉब्लम है आपके फादर के नेम में, आपके नेम में, मदर के नेम में वहाँ पर चेंजेस है, तो यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर जाना है। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट है 10th की ओरिजिनल मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके नाम में, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी दिक्कत गड़बड़ी होती है तो यहाँ पर आपसे 10th की ओरिजिनल मार्कशीट मांगी जाती है, उसी के आधार पर आपको एंट्री दी जाती है। तो इसीलिए आपको ये ज़रूर लेकर जाना है। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी, यही आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सभी जगह लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।